गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, आज का अपना टॉपिक है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। अगर सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में देखा जाए तो हम देखो यहां से पहले दो चीजें पढ़ चुके हैं, डीएनए और आरएनए। और गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए से। जो क्रोमोसोम होते हैं इनका निर्माण किससे होता है? डीएनए से होता है। अब देखिए, क्रोमोसोम के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनके बारे में बताया था एक स्ट्रोस बर्गर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया था? स्ट्रोस बर्गर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले गुणसूत्र का क्या किया था? अध्ययन किया था। इसीलिए इन्हें इसका क्या माना जाता है? खोजकर्ता माना जाता है। अगर आपसे गुणसूत्र का खोजकर्ता पूछा जाए, क्रोमोसोम की डिस्कवरी पूछी जाए, तब तो नाम किसका आता है? स्ट्रोस बर्गर का। सोस बर्गर नहीं, स्ट्रोस बर्गर का आता है। इसके अलावा अगर नाम के बारे में पूछ लिया जाए कि जो क्रोमोसोम वर्ड है, गुणसूत्र नाम है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो यहां पर नाम आता है वाल्डेयर का। किसका नाम आता है? वाल्डेयर का। वाल्डेयर ने जो क्रोमोसोम है ये वर्ड दिया था, ठीक है? क्रोमोसोम वर्ड किसने दिया है? वाल्डेयर ने। जबकि खोज का श्रेय किसको जा रहा है? स्ट्रोस बर्गर को। अब हम यहां पर देखें तो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो सीधा आंसर क्या होगा? डीएनए से बने होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुणसूत्र की खोज किसने की, तो क्या जाएगा? स्ट्रोस बर्गर। एक प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कि गुणसूत्र होती है जो आनुवांशिक लक्षणों के, जो हमारे जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं, आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, लक्षणों के संचरण की इकाई कहलाती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है? कि जो जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट की यूनिट क्या कहलाती है, आनुवांशिक लक्षणों के संचरण की इकाई क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाएगी? गुणसूत्र कहलाएगी। यहीं पर देखो, अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए कि आनुवांशिक लक्षणों को वहन करने वाली इकाई, पूछी जाए तो नाम बदल जाएगा, ठीक है? दो प्रश्न है, दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए दोनों को अलग अलग याद करने हैं। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, पहला क्या है कि अगर आपसे ये पूछे कि आनुवांशिक लक्षणों के संचरण की, यानी माता पिता से लक्षण संतान में जा रहे हैं, तो उनको ले जाने का काम तो किसका है? गुणसूत्र का हो जाएगा, क्रोमोसोम का। लेकिन अगर वो किस पदार्थ के द्वारा जा रहे हैं, या सीधा कहें उनको स्टोरेज किसने कर रखा है, अगर वो यूनिट पूछी जाए तो वो क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है, जो वर्ड दिया गया था जोहानसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जोहानसन के द्वारा। ये प्रश्न भी अनेकों बार पूछा जा चुका है कि आनुवांशिक लक्षणों को वहन करने वाली इकाई क्या कहलाती है, तो जीन कहलाएगी, जो किसने वर्ड दिया था? जोहानसन ने दिया था। इसके अलावा जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया जा चुका है, और प्रयोगशाला में संश्लेषण भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और वो भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं? हर गोविंद खुराना। ये भारतीय साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था, सिंथेसिस ऑफ जीन इन लेबोरेटरी, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा। तो यहां पर चार या पांच इंपोर्टेंट प्रश्न बने। सबसे पहला, गुणसूत्र किससे बने हैं? डीएनए से। किसने खोजा था गुणसूत्र? स्ट्रॉसबर्गर ने। इसके अलावा आनुवांशिक लक्षणों के संचरण की इकाई,
जेनेटिकल कैरेक्टर के ट्रांसपोर्ट की यूनिट पूछी जाए तो क्या कहलाएगी, तो भी क्रोमोसोम वर्ड आ रहा है। लेकिन अगर स्टोरेज यूनिट पूछी जाए, वहन करने वाली इकाई पूछी जाए, तो नाम किसका आता है, जीन। जो वर्ड तो जोहानसन ने दिया है, लेकिन प्रयोगशाला में सबसे पहले इसे किसने बनाया है, तो नाम किसका आएगा, हरगोविंद खुराना का आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो गुणसूत्र जीव के शरीर में दो रूप में पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है एन रूप और एक पाया जाता है 2N। इसको एगुणित कहा जाता है, एगुणित, और इसको कहा जाता है द्विगुणित, डिप्लोइड, और ये क्या कहलाएगा, हैप्लोइड। अब अगर मनुष्य में देखें तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या आप सभी को पता है कितनी पाई जाती है, 46, और द्विगुणित रूप पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 23 जोड़े। डिप्लोइड तो कितने हैं, 23 पेयर्स पाए जा रहे हैं, लेकिन हैप्लोइड पूछा जाए तो कितने होते हैं, 46 पाए जाते हैं। सीधा कहे तो जोड़े 23 हैं, और जबकि कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो गुणसूत्र की संख्या भी मुख्य रूप से हो गई। इसके अलावा हम गुणसूत्र का क्या हो गया, खोजकर्ता हो गया, खोजकर्ता के अलावा क्या हो गया, जीन से संबंधित फैक्ट हो गए। ये तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम सबसे महत्वपूर्ण चीज देखें तो ये गुणसूत्र जो 46 हैं, मनुष्य में ही अगर देखा जाए तो मनुष्य में ही दो प्रकार के होते हैं। अगर इन 46 गुणसूत्रों को देखें या 23 जोड़ी गुणसूत्रों को देखें तो ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक ऐसे हैं जो लिंग निर्धारण में सेक्स डिटरमिनेशन में भाग लेंगे, और एक ऐसे हैं जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेंगे, उनको कहा जाएगा अलिंग गुणसूत्र। ठीक है, और इनको क्या कहा जाएगा, लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम कहलाएंगे और ये नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम कहलाएंगे। अब देखो इनको प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, इस बेस पर आपसे पूछ लिया जाएगा। देखो सबको पता है नर में तो ये क्या पाया जाता है, एक्स और वाई रूप में पाया जाता है, और मादा के अंदर किस रूप में पाया जाता है, एक्स और एक्स के रूप में। जबकि ये सभी के जीवों के अंदर क्या होते हैं, जो 22 जोड़े पाए जा रहे हैं, ये सभी के अंदर क्या होते हैं, समान। एक जोड़ी जो गुणसूत्र है वो नर में एक्स वाई है और मादा में क्या है, एक्स एक्स है। अब इनका नाम पूछा जाता है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं, एलिंग गुणसूत्र जो हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको देखो, रटना नहीं है, याद कैसे रखोगे, आप एक वर्ड याद रख लेना, एक तरह से ये सभी में ऑटोमेटिक जा रहे हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सेक्स डिटरमिनेशन पर। ठीक है, तो लिंग निर्धारण पर भाग नहीं हो पड़ रहा, यानी ऑटोमेटिक वर्ड याद रख लेना, तो इनको कहा जाएगा ऑटोसोम। इनको क्या कहा जाएगा, ऑटोसोम कहा जाएगा। अब दो ही प्रकार हैं, एक ऑटोसोम हो गया, इनको देखो क्या कहा जाएगा, एक्स वाई नर में है और मादा में क्या है, एक्स एक्स है। अब देखो एक तो वर्ड इनके लिए एलोसोम वर्ड यूज किया जाता है, सेक्स जो क्रोमोसोम है इनके लिए एक वर्ड तो क्या है, एलोसोम। अब देखो विज्ञान में जो अलग वर्ड होता है, अलग जो होता है, भिन्न जो होता है, डिफरेंट जो चीज है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हिट्रो। ठीक है, जैसे हिट्रोजीनस, विषमांगी यानी अलग अलग प्रकार का। ठीक है, ऐसे ही इनको क्या कहा जाएगा, हिट्रोसोम, क्योंकि ये नर में अलग पाए जा रहे हैं और मादा में अलग पाए जा रहे हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या हो गया, हिट्रोसोम, या हेट्रोसोम वर्ड भी क्या कर लेते हैं अपन, यूज कर लेते हैं। तो दो प्रकार के हो गए, लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेने वाले ऑटोसोम, और लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले एलोसोम या हिट्रोसोम कहला रहे हैं। अब देखो लिंग निर्धारण कैसे होता है, किस क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। उससे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो लिंग निर्धारण कैसे पाया जाता है,
नर के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? एक्स और वाई। मादा में क्या पाया जा रहा है? एक्स और एक्स। अब हमेशा एक चीज याद रखना, मादा हमेशा किसका त्याग करेगी? एक्स का। नर ने यदि मान लो एक्स का त्याग किया, ये किसके साथ होगा? 22 प्लस 22 प्लस, ठीक है। अब अगर मान लो नर ने 22 के साथ किसका त्याग किया? एक्स का। तो 22 22 44 प्लस एक्स यहां से आया, एक एक्स यहां से आया, तो 44 प्लस क्या हो गया? एक्स एक्स हो गया। तो जो संतान प्राप्त होगी वो संतान क्या कहलाएगी? लड़की प्राप्त होगी। दूसरी कंडीशन अपन देखें, मान लो कि नर ने तो किसका त्याग किया है? 22 प्लस वाई का त्याग किया है। किसका त्याग किया है? 22 के साथ किसका त्याग किया है? वाई का त्याग किया है। और नर मादा ने मान लो हमेशा किसका त्याग कर रही है? एक्स का। तो 22 प्लस 22 कितने हो गए? 44 प्लस एक्स वाई। तो ये कंडीशन किसके लिए प्राप्त होती है? लड़के के लिए प्राप्त होती है। किसके लिए प्राप्त होती है? लड़के के लिए। तो इस कंडीशन में क्या प्राप्त होगा? लड़का प्राप्त होगा। अब सीधा अपन देखें तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो लिंग निर्धारण है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? नर के वाई गुणसूत्र पर। और ये प्रश्न अनेकों बार पूछा जा चुका है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? नर के अंदर पाए जाने वाले वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे कछुआ है, कछुए के अलावा मगरमच्छ है, ठीक है। इन दोनों में टेम्परेचर पर यह प्रक्रिया डिपेंड करती है। जैसे अगर मान लो कछुए और मगरमच्छ के अंडों को 25 से 28 पर रखते हैं तो उत्पन्न होती है मादा, और अगर 28 से लगभग 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाए तो क्या उत्पन्न होते हैं? नर उत्पन्न होते हैं। यानी सीधा के इनके अंदर लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तापमान द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि संतान जो पैदा हो रही है वो एक तरह से मेल होगी या फीमेल होगी। ये केवल इन्हीं जीवों के अंदर पाया जाता है, मनुष्य में ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य तो इतना बुद्धिमान है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो टेम्परेचर पहले ही फिक्स कर ले, मादा को उसी टेम्परेचर पर रखा जाए जिस पर क्या उत्पन्न होगा? लड़का उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन केवल किसमें पाई जाती है? इन उभयचर एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर पाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये तो मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण हो गया, जिसमें से ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंग निर्धारण किस पर निर्भर कर रहा है? वायु गुणसूत्र पर। और तापमान द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है? कछुए और मगरमच्छ में। अब हमने देखो खोजकर्ता देख लिया, संख्या देख ली, इसके अलावा लिंग निर्धारण देख लिया। अब प्रश्न आता है इनकी सर्वाधिक संख्या किसके अंदर पाई जाती है? तो देखो एक रेडियो लेरिन नाम का जीव होता है, रेडियो लेरिन, जिसको एटेकेंथा भी कह दिया जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं 1600। रेडियो लेरिन एटेकेंथा जो होता है इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? सबसे ज्यादा, जो कितनी होती है? 1600 पाई जाती है, ठीक है। जबकि न्यूनतम देखें, लोवेस्ट देखें, तो पाई जाती है 2 किसके अंदर? राउंड वर्म के अंदर। गोल क्रमी जो होता है इसके अंदर सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी पाई जा रही है? न्यूनतम कितनी पाई जा रही है? 2। यानी सीधा अपन कहें तो जो गोलक्रमी होगा उस गोलक्रमी के अंदर संख्या कितनी है? मात्र 2। इसके अलावा अपन हाईएस्ट देखें तो हाईएस्ट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन रेडियोलेरिन एटेकेंथा, ठीक है। तो लोवेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए। इसके बाद अगर अपन देखें तो साइज पर डिपेंड करता है। देखो अगर साइज के बारे में देखें कि लार्जेस्ट साइज ऑफ क्रोमोसोम
किसके अंदर पाया जाता है? तो सबसे बड़ा अगर गुणसूत्र देखा जाए तो ये प्रेजेंट होता है ट्रिलियन के अंदर, ठीक है। अगर हम ट्रिलियन जीव को देखें तो इसके अंदर तो सबसे बड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। अगर उसके साइज के बारे में देख लिया जाए तो लगभग ये 32 माइक्रोन का होता है, जबकि अगर हम सबसे छोटा गुणसूत्र देखें तो सबसे छोटा किसके अंदर पाया जाता है? स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एल्गी, ठीक है, यानी सेवाल के अंदर सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। और सेवाल के बारे में अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा सेवाल किसको कहा जाता है, जो काई देखी है आपने, पानी जहां भरा होता है, ग्रीन कलर के, मुख्य रूप से प्लांट की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको हम काई कहते हैं। वो क्या होता है? नील हरित सेवाल। क्या है? नील हरित सेवाल, यानी एक प्रकार का वो भी क्या है? एल्गी है, जिसके अंदर गुणसूत्र क्या होता है? सबसे छोटा पाया जाता है। तो ये गुणसूत्र के बारे में पॉइंट हो गए। अब इससे देखो प्रश्न आपको बता दिया है कहां से पूछा जाता है। एक तो किससे पूछ लिया जाएगा? अगर हम सेक्स डिटरमिनेशन देखें किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वाई क्रोमोसोम पर, यानी वाई गुणसूत्र पर। इसके अलावा संख्या से संबंधित, या साइज से संबंधित, या फिर आपको इनकी खोज से संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मनुष्य में देखो कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर पाए जाते हैं, यानी इनकी संख्या में कमी या अधिकता के कारण कुछ रोग होते हैं, उनसे संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर यहां तक किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।